पूर्णिया शहर के गुलाबबाग मेला ग्राउंड स्थित बाबा गुलाब ईश्वरनाथ शिव मंदिर में विश्व हिंदू परिषद सह बजरंग दल के गुलाबबाग इकाई के द्वारा 501 दीप जलाकर हिंदू नववर्ष मनाया गया। इस मौके पर लोगों की भारी संख्या में भीड़ देखी गई। इस कार्यक्रम में गुलाबबाग इकाई के संयोजक अमित कुमार शाह के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख कार्यकर्ता तथा बजरंग दल पूर्णिया के प्रमुख अधिकारियों को न्योता दिया गया था, जो निश्चित समय पर आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए। प्रमुख अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के डॉक्टर हरिनंदन राय अपनी टीम के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और विहिप बजरंग दल पूर्णिया के जिला अध्यक्ष और जिले के मुख्य अधिकारियों के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। वे सभी एक एक कर अपना परिचय देते हुए लोगों को संबोधित किए। उसके बाद सभी लोगों ने खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसके बाद लोगों के बीच खिचड़ी प्रसाद का वितरण किया गया। विश्व हिंदू परिषद के गुलाबबाग इकाई के संयोजक अमित कुमार शाह ने बताया कि अगर आगे भी लोगों का इस तरह से प्यार मिलता रहा तो वे हिंदू नववर्ष के मौके पर भविष्य में भव्य कार्यक्रम करेंगे। इससे पुराना कोई भी संस्कृति नहीं है, किसी के पास अरबों साल का गन्ना नहीं है जो हमारे यहाँ है। हनुमान चालीसा में हमने पढ़ा है, कई सौ साल से पढ़ रहे हैं, जब से तुलसीदास जी हनुमान चालीसा लिखे 1600 ईस्वी में, 600 साल पहले। युग सहस्त्र योजन पर भानु लिल्यो ताहि मधुर पल डालू। अब बताइए तुलसीदास जी, जो पंचांग का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए हम सभी माताओं को बहनों को ये कहेंगे कि आप लोग अपना जो भी पर्व त्योहार है वो हिंदू तिथि के अनुसार होता है तो अपने पंचांग का ज्ञान होना चाहिए, वर्ष का, माह का, पक्ष का सभी ज्ञान होना चाहिए। आप बच्चों में भी ये संस्कार डालें कि बच्चों को सवेरे उठावे, उनको स्नान ध्यान करावे, तिलक लगावे, और माताओं को चाहिए कि स्नान ध्यान करके अपना जो भी उसको हम भूलते चले गए और अंग्रेजियन को ज्यादा अपना लिया। हर देश की अपनी प्रकृति होती है, उसकी अपनी एक परंपरा होती जाएगी। कृपया आपस में बातचीत ना करें और बैठ जाएं, जहां जगह मिलता है वहां पर बैठ जाए। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं।